नमस्कार, ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर शंभुगुप्त, प्रोफेसर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा हूँ। आज हम प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य 2 के अंतर्गत पद्मावत में अभिव्यक्त सौंदर्य चेतना विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा आप जानते हैं, पद्मावत मध्यकाल का बहुत बड़ा महाकाव्य है। सूफी जो काव्य धारा है उसका प्रमुख बल्कि शीर्ष महाकाव्य है। मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचयिता हैं। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप 3 चीजें सीखेंगे। कवि की सौंदर्य चेतना और कविता का आपसी संबंध आप जान सकेंगे। दूसरा, सौंदर्य चेतना और प्रेम का संबंध आप समझ पाएंगे। और तीसरा, पद्मावत में जायसी द्वारा प्रयुक्त सौंदर्य चेतना की विशेषताएं आप समझ पाएंगे। ये 3 चीजें आप इस अध्याय के पश्चात समझ पाएंगे, ये आप देखेंगे इसमें। जैसा कि आप जानते हैं, पद्मावत हिंदी साहित्य के मध्यकाल का, जिसे भक्तिकाल कहते हैं हम, उसके प्रेम काव्य धारा का शीर्ष महाकाव्य है। मलिक मोहम्मद जायसी इसके लेखक हैं, कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसमें प्रेम कथा के माध्यम से लौकिक और अलौकिक दोनों प्रेमों का चित्रण किया है। हम प्रारंभ करते हैं प्रस्तावना से। जैसा कि मैंने कहा, पद्मावत में प्रेम तत्व सर्वप्रमुख है। जैसा आप जानते हैं, सृष्टि का सर्वाधिक सुंदर तत्व प्रेम है। जायसी इस प्रेम के लौकिक एवं अलौकिक दोनों ही रूपों के मर्मज्ञ है। प्रेम का आधार सौंदर्य है, इसलिए विद्वानों ने प्रेम और सौंदर्य में गहरा संबंध बताया है। जहाँ सौंदर्य है वहाँ प्रेम है। इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं हम, थोड़ा सा इसको वाक्य को पलट के, कि जहाँ प्रेम है वहाँ सौंदर्य भी है। क्योंकि प्रेम और सौंदर्य का, जैसा कहा गया, कि अन्योन्याश्रित संबंध है। सौंदर्य से प्रेम पैदा होता है और प्रेम जिसको हम करते हैं, वो चाहे कैसा भी हो, वो हमें सुंदर लगता है। इसके अलावा ये भी एक बात है कि विद्वान इस विचार से भी सहमत है कि सौंदर्य दृश्य वस्तु में ना होकर दृष्टा में होता है। यानी कि 2 सौंदर्य के केंद्र हो सकते हैं, एक वो जो देखता है और एक वो जो दिखता है, यानी वस्तु में और व्यक्ति में। अलग अलग मत हैं विद्वानों के इस संबंध में। यही कारण है कि एक वस्तु किसी के लिए सुंदर हो सकती है, किसी अन्य के लिए असुंदर। दरअसल सौंदर्य दृश्यमान वस्तु और दृष्टा के बीच एक विशिष्ट संबंध है। जहाँ तक जायसी की बात है, पद्मावत की बात है, तो पद्मावत में सृजित इस सौंदर्य दृष्टि की सृष्टि इस संबंध की सृष्टि और सफलता को जानना हमारा लक्ष्य है। यानी कि हम ये इस अध्याय में देखेंगे कि पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह से प्रेम और सौंदर्य के अंतर संबंधों को, उनकी अन्योन्याश्रितता को, उनके विकास को, उनके पल्लवित होने को किस तरह से चित्रित करते हैं। पहला, हम इसको में इसमें आगे बढ़ते हैं, हम इसको कुछ बिंदुओं के रूप में हम व्याख्यायित कर सकते हैं। इस अध्याय को विभाजित भी कर सकते हैं। पद्मावत में अभिव्यक्त सौंदर्य चेतना। महान सूफी साधक अल गजाली ने प्रेम और सौंदर्य में अन्योन्याश्रय संबंध को स्वीकार किया है। अन्योन्याश्रय का मतलब है एक दूसरे के प्रति आश्रित, एक का दूसरे से निर्भरता। एक होगा तो दूसरा होगा तो पहला होगा, ये अन्योन्याश्रय होता है। उसके अनुसार आत्मा सांसारिक सौंदर्य से गुजरती हुई ईश्वरीय सौंदर्य पर जाकर टिक जाती है। ईश्वरीय सौंदर्य ही सांसारिक सौंदर्य का मूल स्रोत है। जहाँ सौंदर्य है वहाँ प्रेम हो जाना स्वाभाविक है। जितना ही आकर्षक सौंदर्य होगा उतना ही गाढ़ा प्रेम भी होगा। ये द मिस्टिक, उनकी अल गजाली की पुस्तक है, उसमें से ये अंश लिया गया है। इसके आधार पर अगर हम सौंदर्य और प्रेम के परस्पर संबंध को व्याख्यायित करें तो स्पष्ट होता है कि प्रेम और सौंदर्य दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पूर्व में भी जैसा मैंने कहा आपको कि सौंदर्य जहाँ है वह प्रेम होगा, और जहाँ प्रेम है वो वस्तु हमें सुंदर लगती है। दोनों ही चीजें हैं इसमें। जहाँ सौंदर्य है वहाँ प्रेम होने का मतलब है कि सौंदर्य वस्तु में है, और जहाँ प्रेम है वहाँ सौंदर्य होने का मतलब है कि
सौंदर्य दृष्टा के मन में है। इस तरह से दोनों ही चीजें, दोनों ही ये रास्ते हैं, दोनों ही मत है, और दोनों ही मत बहुत सारे लोग इन दोनों मतों को स्वीकार करते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों के रचनाकारों ने भी प्रेम और सौंदर्य के संबंध को मान्यता दी है। जैसे चित्रावली के रचनाकार उस्मान कहते हैं, जहां रूप जग बनिज पसारा, आई प्रेम तह किए व्यवहारा, जो भिद रूप मयकर दीनही, प्रेम चकोर नैन तिन कीन्ही, दीपक ज्योत रूप उजियारा, प्रेम पतंग आन तह जारा, रूह बास भा केतिक केवा, प्रेम भौर जिव परछेवा। ये चित्रावली में से अंश लिया गया है। तो जहां रूप जग बनिज पसारा, आई प्रेम तह किया व्यवहार, यानी जहां पर रूप है वहां सौंदर्य भी है। चित्रावली के इसके बाद अर्थात इसका अर्थ आप समझें, समस्त संसार में जहां जहां रूप ने अपना व्यापार फैलाया है, व्यवहार के लिए प्रेम वहां पहुंच जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जहां रूप एक सिद्धांत है, रूप एक मान लीजिए कंसेप्ट है, और प्रेम उसका व्यावहारिक रूप है। जिस विधाता ने रूप की सृष्टि की है, उसी ने प्रेम भी बनाया है। यानी रूप एक वस्तु है और प्रेम एक संवेदना है, ये इन दोनों में संबंध है। यही रूप फूलों में सुगंध बनकर व्याप्त है, और यही रूप भ्रमरों में विलास का रस है। एक और कवि है प्रेम काव्य के, वे है मंझन। मंझन ने भी अपने काव्य में स्वीकार किया है, यह रूप त्रिभुवन जग बरसे, मई पयाल अगास, सोई रूप परगट में देखा, तो माथे परगास। यानी कि यही रूप है जो पूरे संसार में फैला हुआ है, धरती आकाश पाताल सभी जगह इसी रूप की झलक है। यही रूप है जो प्रकट होकर हमारे समक्ष है, जिससे सब प्रकाशवान है। यानी कि ये एक ऐसा ऐसी संवेदना है, ऐसा एक तत्व है ये रूप, जो कि हमारे मन में प्रेम की संवेदना को पैदा करता है। अब हम जायसी पे आते हैं, पद्मावत पे आते हैं। पद्मावत में जायसी ने भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य का अनूठा नमूना प्रस्तुत किया है। यह प्रत्येक पाठक के लिए हृदयग्राही और रसमग्न कर देने वाला है। जायसी की काव्य कला इन वर्णनों से में उभर कर हमारे सामने आती है। पद्मावत की नायिका पद्मावती सौंदर्य की साकार प्रतिमा है, वह पारस रूप है, सौंदर्य का स्रोत है, एक ऐसा स्रोत जिससे सारा जगत सौंदर्यमान हो रहा है। यहाँ पर हम एक विशेष संदर्भ लेंगे कि पद्मावती इस पद्मावत नामक महाकाव्य की नायिका है। ये अवधि में लिखा गया महाकाव्य है, और एक ऐसी नायिका है ये पद्मावती जो अनन्य सुंदरी है। ऐसा सौंदर्य जिसके प्रति सहज ही आकर्षण और प्रेम पैदा होता है। तो पद्मावती के बारे में जो कहा गया है पद्मावत में, जायसी जो कहते हैं, वो आप जरा देखिए, सुनिए इसको। नायिका पद्मावती सौंदर्य की साकार प्रतिमा है, जैसे कि मूल सौंदर्य जो है मूर्तिमान हो गया, वह पारस, पारस होता है जिसको स्पर्श करें तो आप सोना हो जाता है, लोहा जब पारस को स्पर्श करता है तो सोना हो जाता है। सौंदर्य का उद्गम स्रोत है, जहाँ सौंदर्य पैदा होता है, एक ऐसा स्रोत जिससे सारा जगत सौंदर्यमान हो रहा है। उसके जद में, उसके क्षेत्र, उसके जो हाँ जो भी उसके संपर्क में आता है, वह भी जैसे मानो सुंदर हो जाता है। ये सौंदर्य की बहुत बड़ी कसौटी है, बहुत बड़ी पहचान है कि आप जब भी उसके संपर्क में आते हैं तो आप भी सुंदर हो जाते हैं, आप भी सौंदर्य का अनुभव करने लगते हैं। तो जो जायसी ने कहा वो देखिए क्या कहा उन्होंने, कि कहा मानसर चहा सुपाही, पारस रूप यहाँ लगे आए, भा निर्मल तेन पायन पर से, पावा रूप रूप के दर से। ये जो पद्मावती है वो स्त्री भी है, नायिका भी है, और इसी के साथ वो ईश्वर का प्रतीक भी है, प्रतिरूप भी है। इसलिए मानसरोवर हो या जो भी उसके संपर्क में आता है, वो दोनों ही स्तरों पर कृतज्ञ महसूस करता है, कृतज्ञ अनुभव करता है।
मानसरोवर में स्नान करने आई पद्मिनी को देखकर मानसरोवर हर्षित है। मानसरोवर तो जल का एक स्रोत, तालाब है, लेकिन वह भी जैसे कि मनुष्य की तरह उससे प्रभावित होता है। जो उसे चाहिए था वह मिल गया। पारस रूप पद्मावती स्वयं यहाँ स्वयं आई है। पारस रूप पद्मावती, तो पद्मावती के चरणों का स्पर्श करते ही मानसरोवर जैसे मान लीजिए धन्य हो गया, उसके पांव रखने मात्र से वह निर्मल हो गया। मानसरोवर तो वैसे निर्मल होता है, लेकिन पद्मावती के आने से और भी वो निर्मल हो गया। जो उसने जो रूप पाया है वह उसी के दर्शन का परिणाम है। यानी जो मानसरोवर आज है, जो निर्मलता उसमें है, जो सौंदर्य उसमें है, जो अनिंद्यता उसमें है, जो निर्मलता मानसरोवर के जल में है, वह ऐसा लगता है जैसे कि पद्मावती के रूप और सौंदर्य का ही प्रभाव है। पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन जायसी बहुत दिल खोल कर करते हैं, बहुत प्रभावशाली ढंग से करते हैं। कैसे करते हैं उसका आप जरा संदर्भ देखिए। पद्मावती के रूप सौंदर्य का विस्तृत वर्णन जायसी ने तोते और राघव चेतन के मुख से कई बार कराया है। जो प्रेम गाथा काव्य है, ये प्रेम आख्यानक काव्य है, उनमें प्रेम पैदा होने के कई तरीके हैं। उसमें पशु पक्षी भी बराबर की भूमिका निभाते हैं। पशु पक्षी संदेशवाहक होते थे पहले। वे कई बार ऐसा होता था कि जो पिता था अपनी पुत्री के लिए वर खोजने का काम तोतों को, पक्षियों को और दूसरे लोगों को देता था, और वो जाकर के जहाँ योग्य नायक या योग्य पुरुष हो वहाँ जाकर के उनके सौंदर्य का वर्णन करते थे, और फिर वो व्यक्ति उन पर प्रभावित होकर के उस प्रेम में पढ़ करके उनकी खोज में निकल पड़ते थे। लगभग ऐसा ही दृश्य हमें पद्मावती में दिखाई पड़ता है। पद्मावती के रूप सौंदर्य का विस्तृत वर्णन जायसी ने तोते और राघव चेतन के मुख से कई बार कराया है। क्या है वो जरा देखें। सृष्टि के जिन जिन पदार्थों में सौंदर्य की झलक है, पद्मावती की रूप राशि की योजना के लिए कवि ने मानो सबको एकत्र कर दिया है। जिस प्रकार कमल, चंद्र, हंस आदि अनेक पदार्थों का सौंदर्य लेकर तिलोत्तमा का रूप संगठित हुआ था, उसी प्रकार कवि ने मानो पद्मावती का रूप विधान किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में ये लिखा है कि किस तरह से कवि ने अपने सारे काव्य कौशल को, अपनी सारी प्रतिभा को पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करने में खर्च कर दिया, और पाठक अभिभूत होता है। तो कमल, चंद्र, हंस, ये रामचंद्र शुक्ल अपने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में कहते हैं। और आपको ध्यान होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले इस पूरी काव्य परंपरा का शोध किया था, यानी सबसे पहले उन्होंने इसको सामने लाए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और जायसी ग्रंथावली की लंबी भूमिका लिखते हुए उन्होंने हिंदी संसार को, हिंदी जगत को मलिक मोहम्मद जायसी और पूरी आख्यानक काव्य परंपरा से पहली बार परिचित कराया था। इसलिए ये श्रेय शुक्ल जी को जाता है जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो प्रेमाख्यानक परंपरा को अवतरित या परिचित कराने का, हिंदी संसार में लाने का श्रेय शुक्ल जी को जाता है। वो क्या लिखते हैं वो मैंने आपको भी बताया, एक बार फिर उसको देखें कि सृष्टि के जिन जिन पदार्थों में सौंदर्य की झलक है, पद्मावती की रूप राशि की योजना के लिए कवि ने मानव सबको एकत्र कर दिया है। जो हमारे सौंदर्य के रूप के प्रतिमान है, जिस प्रकार कमल, चंद्र, हंस, ये सौंदर्य के रूप के प्रतिमान है, आदि अनेक पदार्थों का सौंदर्य लेकर तिलोत्तमा का सारे मिलकर के जब मानव एकत्र हो गए हो और सौंदर्य का निर्माण किया हो, तो आप जरा कल्पना करें कि जब ये कमल भी मिल जाए, चंद्र भी मिल जाए, हंस भी मिल जाए, और तीनों के अपने अपने लक्षण हैं, इनके तीनों की अपने अपने गुण हैं, अपने अपने विशेषताएं हैं, ये तीनों एकत्र होकर के पद्मावती के सौंदर्य का निर्माण कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अद्वितीय स्थिति है। अनेक पदार्थों का सौंदर्य लेकर तिलोत्तमा का रूप संगठित हुआ था, उसी प्रकार कवि ने मानो पद्मावती का रूप विधान किया है। पद्मावती का सौंदर्य अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, जितनी बार देखेंगे आप उतनी बार ये नया लगेगा और अलौकिक है। लौकिक नहीं है ऐसा,
ऐसा रूप आमतौर पर बहुत कम मिलता है और दिव्य। इस तरह से जायसी के उस पूरे सौंदर्य वर्णन को आचार्य शुक्ल यहाँ पर स्वीकार करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि कहा गया, जायसी जो पद्मावती है वो केवल एक स्त्री नहीं है, केवल एक नायिका नहीं है, वो ईश्वर का प्रतीक भी है। जायसी की पद्मावती परम सत्ता का प्रतीक है। कवि ने पद्मावती के रूप सौंदर्य के लोकोत्तर प्रभाव का भी प्रतिप लोकोत्तर का जो लोक से ऊपर है प्रतिपादन किया है। समस्त सृष्टि उसके रूप के प्रभाव से ही संचालित है। पद्मावती के केश खोलने मात्र से ही आकाश पाताल में अंधेरा छा जाता है, अंधकार के प्रतीक। चूंकि जैसा कि ऊपर अभी हमने आपको संकेत किया, पहले अभी संकेत किया आपको हमने कि पद्मावती केवल स्त्री नहीं है, नायिका नहीं है, वो ईश्वर का या परम सत्ता का प्रतीक भी है। इसलिए कवि जायसी जहाँ जहाँ पद्मावती का एक स्त्री के रूप में सौंदर्य वर्णन करते हैं, वहाँ वहाँ वो ईश्वर के रूप के प्रभाव को भी लाते हैं। इसलिए बहुत संश्लिष्ट तरीके से दोनों चीज़ें एक साथ इस सौंदर्य वर्णन के प्रसंग में चलती हैं। जैसे कि केश के बारे में जब जायसी बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरे जब केश खोलती है पद्मावती तो सारे संसार में, आकाश पाताल में अंधेरा छा जाता है। क्या लगते हैं देखिए, बेनी छोरी झारू जो बारा सरग पतार होई अधियार। जैसे बेनी उन्होंने खोली तो जैसे सर्ग स्वर्ग और पाताल सब जगह अंधेरा छा गया। ये पद्मावती के सौंदर्य के इतना इतना विस्तार से जायसी ने पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया है कि वो एक स्त्री, जैसे कि कहा गया, वो स्त्री का सौंदर्य भी है और इसके साथ साथ वो ईश्वर की का जो महत्व है उसका भी प्रतिपादन है। पद्मावती का रूप सौंदर्य ऐसा है जिसे सुनकर राजा रतन सेन मूर्छित हो जाते हैं। सौंदर्य से मूर्छित होने की ये अति है, एकदम प्रभावित होने की अति है। देव मंदिर में पद्मावती का दर्शन करने के बाद पुनः बेहोश हो जाते हैं। जब राघव चेतन झरोखे में खड़ी पद्मावती को देखते हैं तो वे अपने सुध-बुध खो बैठते हैं। ये सौंदर्य का वह रूप है, वह स्थिति है सौंदर्य दर्शन की, जहां पर कि आप अतींद्रिय भी हो जाते हैं, जहां पर कि आप बेसुध हो जाते हैं, जहां पर कि आपको होश नहीं रहता कि क्या है। ये सौंदर्य की चरम स्थिति है। पद्मावती के रूप सौंदर्य के साथ साथ जायसी ने रतनसेन के रूप की भी प्रशंसा की है। पद्मावती को रतनसेन के विषय में बताते हुए हीरामन कहता है, हीरामन तोता है, जो पद्मावती के द्वारा भेजा गया है, लेकिन जब वो रतनसेन से मिलकर के आता है तो उसके रतनसेन के पुरुष सौंदर्य का वर्णन पद्मावती को सुनाता है और वो एक तरह से पद्मावती मोहित हो जाती है। पद्मावती को रत्नसेन के विषय में बताते हुए हीरामन कहता है कि 32 लक्षणों से युक्त उसके रूप और कांति का वर्णन नहीं किया जा सकता। सौंदर्य वर्णन शैली का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण यह है, तत्व यह है कि कवि कहता है कि नैति नैति उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। वो इतना अरुंधति सौंदर्य है, इतना बलशाली है वो पुरुष के संदर्भ में, इतना इतने गुणों से युक्त है वो कि उसका वर्णन कम से कम मेरे मेरे वश में नहीं है। तो हर कवि ये सौंदर्य की पराकाष्ठा है। वही बात यहाँ पर जायसी भी उस शैली को अपनाते हैं। जब रतनसेन का वर्णन के सौंदर्य का और उसके उसके पौरुष का वर्णन जब हीरामन करता है तो वही कहता है कि भाई उनका वर्णन करना मेरे वश में नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। फिर आगे कथा चलती है तो रतनसेन को वर वेश में सज्जित देखकर पद्मावती की सखियां क्या कहती है। जब पद्मावती की सखियां कहती हैं तो पद्मावती की सखियां भी उसके रूप से प्रभावित हैं रतनसेन के। क्या आप जानते हैं कि रतनसेन राजा थे। सहसों करां रूप विधि गढ़ा, हजारों हाथों से जैसे कि विधि ने इनके स्वरूप रूप को बढ़ा, सौंदर्य को बढ़ा है। सोने के रथ आवे चढ़ा,
सोने के रथ पर चढ़कर के चला आ रहा है, मणि माथे, माथे पर मणि है, दर्शन उलझी आ रहा हूं। और दर्शन कैसे है? प्रकाश युक्त, सोने रख नहीं जाए नहीं आ रहा। सौगंध पूर्व में कहती हूँ, सौगंध खा के कहती हूँ कि उसका सौंदर्य इतना प्रभावशाली है, इतना चमकदार है कि एकदम उसे लगातार देखा नहीं जा सकता। जैसे हम सौ सूर्य को सूर्य की तरफ लगातार हम देख नहीं सकते, वही स्थिति रत्नसेन के सौंदर्य की यहाँ पर कवि बताता है। रत्नसेन के रूप को विधाता ने फुर्सत से गढ़ा है, वे सोने के रथ पर चढ़े आ रहे हैं, ये इसका इसकी व्याख्या है। मणियों जैसे उनके मस्तक के उजाले का तो कहना ही क्या है, उनके चेहरे का तेज इतना है कि निहारा भी नहीं जा रहा है। पद्मावती के साथ साथ जायसी ने सिंगल दीप की पनिहारिनों के रूप सौंदर्य का भी चित्रण किया है। आपको यहाँ हम याद दिला दें कि ये जो पूरा अध्याय है वो अब सौंदर्य चेतना, रूप सौंदर्य और सौंदर्य चित्रा के विषय में हम जान रहे हैं इसमें। तो जायसी सौंदर्य और रूप के कवि हैं, कोई भी जहाँ भी उनको मौका लगता है, जहाँ भी वे अवसर पाते हैं, वे वहाँ पर जो सौंदर्य प्रत्यक्ष है, जो सौंदर्य है, उसको उभारते हैं। पहले पद्मावती का सौंदर्य वर्णन किया, फिर रत्नसेन क्या किया, और अब जो पनिहारिने हैं जो पानी लेने जाती हैं कुएं पर, उनके का सौंदर्य भी वो करते वर्णन करते हैं। और क्या कहते हैं आगे देखिए, कितना मोहक अंश है ये। पद्मावती के साथ साथ जायसी ने सिंघल द्वीप की पनिहारिनों के रूप सौंदर्य का भी चित्रण किया है। उनका कहना है कि जिस देश की पनिहारिने इतनी सुंदर है, उस देश की रानी और राजकुमारियाँ कैसी होंगी। इसमें क्या है, पनिहारिने बहुत सामान्य परिवार और समुदाय से होती हैं, लगभग वो श्रमिक वर्ग से होती हैं। श्रमिक वर्ग में आवश्यक नहीं कि देह सौंदर्य हो ही उतना, वहाँ पर बहुत सारे श्रम की झाइयाँ होती हैं, पसीना होता है, लेकिन वे भी इतनी सुंदर हैं। तो कवि कहता है कि जहाँ जिस देश के पनिहारिने इतनी सुंदर हो, वहाँ की रानी और राजकुमारियाँ कैसी होंगी, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जायसी ने क्या लिखा था देखें, पानी भरई आवई पनिहारी, ये अवधि है, और ये वो अवधि है जो कि लोक में बोली जाती है। तुलसीदास से भिन्न अवधि है ये, जो लोक प्रचलित अवधि है। तो पानी भरई, पानी भरने के लिए आवई पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी, इतना सुंदर रूप है वो पद्मिनी नारी की तरह लगती है। जैसे कि आप जानते हैं चार प्रकार की नायिकाएं काव्य सौंदर्य शास्त्र में बताई गई है, नाट्य शास्त्र में, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो नायिका है वो है पद्मिनी, जिसके देह से कमल की गंध फूटती रहती है। तो पद्मिनी नायिका जो होती है वो सौंदर्य का चरम प्रतिमान होती है। तो पनिहारिने भी जहाँ की पद्मिनी नायिका की तरह है। पदुम गंध, जहाँ मैंने आपको बताया, देखिए पदुम गंध तह अंग बसाही, कमल की सुगंध उनकी देह में, उनके अंगों में बसती। और गजब क्या हो रहा है कि भंवरे उनकी चारों तरफ घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, जैसे कि कमल के चारों तरफ मंडराते हैं। जरा आप कल्पना कीजिए उस दृश्य का। तुलसी कालिदास ने भी इस तरह का दृश्य दिया है, जहाँ शकुंतला के चारों तरफ भंवरे मंडराते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है उनसे पीछा छुड़ाने के लिए। तो पदुम गंध तह अंग बसाही, भंवर लाग तह संग फिराही, लंक सिंघिनी, उनकी जो कमर है वो शेरनी की तरह है। जो कमर की उपमा दी जाती है वो जो कि बहुत कटी कटी, जिसको कहते हैं बहुत क्षीण होती है, तो सबसे क्षीण कटी सिंघिनी की होती है, शेरनी की होती है। सारंग नैनी, हिरणी की तरह इसके रहते हैं। हंस गामिनी, हंस की तरह चाल है उनकी। कोकिल बैनी, और उनकी जो वाणी है वो कोकिल की तरह है। आवही झुंड सो पाती पाती, वो झुंड की झुंड आती है, पंक्ति बनाकर के, लाइन लगा करके जैसे आती हैं लोग। गवन सोहाई सो पाती पाती, और तरह तरह के गीत गाते रहते हैं, गाती है, गाती भी चलती है।
आगे बहुत और वर्णन किया है, केस मेघवर सिरता पाई चमकही दसन भी झुकी नाही, जिनके दांत हैं वो बिजली की तरह चमकते हैं। कनक कलश मुख चंद्र दिपाही, मुख जो है वो चंद्रमा की तरह दीप्यमान है। रहस कोसो आवही जाई, जासो वे हेरही चखनारा बांक नैन जन वनही कटाई। जिसे वो देखती हैं ऐसा लगता है जैसे कि कटार चला रही हो, तो नैनों की कटार से ही वो देखने वाले को मार देती है, हलाल कर देती है, यानी कि देखने वाला उनके उन पर न्यौछावर हो जाता है, एक तरह से बेहोश हो। जैसे कि ऊपर आपने देखा कि रतन सेन और ये सब लोग जो डॉक्टर देखते हैं बेहोश हो जाते हैं, ठीक वही स्थिति यहाँ पर पनिहरनों की है कि वो नेत्रों की कटारी से ही सामने वाले को मूर्छित कर देते हैं, उनको 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 मोहित कर देते हैं। मानो मैन मूरत सब अचरी बरन अनूप, जिने जेने की ये पनिहारी सो रानी के रूप। ऐसा लगता है जैसे कि कामदेव की प्रतिमूर्ति है, ये अनुपम है, कोई इनकी उपमा नहीं है। और फिर हमें कहते हैं कि जेने की ये पनिहारी, जिस राज्य की पनिहारियां ऐसी है सो रानी के रूप, उन उसकी रानी कैसी होगी जरा कल्पना कीजिए। पद्मिनी जाति की रूप और स्वरूप वाली पनिहारी ने वहां पानी भरने के लिए आती है। इसका भाषा में अनुवाद आप देखें, वे कमल की गंध जैसी सुगंधित है, इसीलिए भौरे उन्हें कमल समझकर उनके साथ चलते रहते हैं। उनकी कमर सिंह की तरह, नयन मृग की भांति, चाल हंस की भांति और वाणी कोयल की तरह है। वे झुंड में पंक्ति बनाकर चलती हैं तो शोभायमान लगती है, जैसे कि हंस चलते हैं। उनके मेघमाला जैसे काले केश सिर से पैर तक लहराते हैं और दंत पंक्ति बिजली सी चमकती है। उनका मुख चंद्रमा के समान दिप दिप करता है, वे प्रसन्नता के साथ आती जाती रहती है, प्रसन्न है। देखिए सौंदर्य की एक और विशेषता है कि वो प्रसन्नता भी उस सौंदर्य में निहित होती है, जिसे हम कहते हैं सांद्रता, यानी कि एक एक तरह की सुचिक्कणता भी उसमें। सुचिक्कणता केवल देह की नहीं होती, केवल त्वचा की नहीं होती, यानी दृष्टि भी होती है। वो बहुत हंसमुख है वो सारी पनिहारिणी, वे सुंदर रमणियाँ जिसकी ओर देखती हैं प्रतीत होता है कि बांके कटाक्ष से कटारी मार रही हो। वे कामदेव की मूर्तियों और अप्सराओं के समान सुंदर है। फिर अंत में जैसे कि मैंने कहा आपको, जिस देश की परिहरणें ऐसी हैं उस देश की रानियां कैसी होंगी जरा कल्पना करें। फिर आगे इस क्रम में आप देखें कि सिंगल द्वीप की पनिहारिणों के सौंदर्य के वर्णन के अतिरिक्त, ये संदर्भ हमारा इस अध्याय का है प्रेम और सौंदर्य का वर्णन, चूंकि प्रेमाखानक काव्य है और प्रेम जहाँ होगा वह सौंदर्य होगा ही। लगभग जैसा कि कहा गया कि ये अन्योन्य आश्रित है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सौंदर्य हो ही नहीं सकता, और जहाँ सौंदर्य नहीं है वहाँ प्रेम भला कैसे हो सकता है। जायसी ने वहाँ के हाट बाजार, सघन अमराई, वृक्ष फल फूल मानसरोवर, हस्तशिल्प सभी का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। ये भी सौंदर्य चेतना, जन सौंदर्य है, ये सौंदर्य चेतना के वे आयाम है जो कि हमें आम जनता में पूरे पृथ्वी पर सब जगह हमें दिखाई देते हैं। जायसी की विशेषता यह है कि वो मनुष्यों के अलावा, मनुष्यों के अतिरिक्त यानी संपूर्ण परिवेश के सौंदर्य का ध्यान रखते हैं, उसका भी चित्रण करते हैं। उनके सौंदर्य चेतना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा आपको, उन्होंने अपने वर्णन को केवल पात्रों तक ही, पात्र नहीं मनुष्य, वो स्त्री हो या पुरुष, किसी भी वर्ग के स्त्री पुरुष हो, उन तक सीमित नहीं है, बल्कि सिंगल द्वीप के वर्णन में भी उनके सौंदर्य चेतना देखने में आती है। तत्कालीन नगरों की विशेषता को ध्यान में रखते हुए लोक जीवन से परिचित जायसी नगर वर्णन प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत की झलक देते हैं, यानी नगर वर्णन भी करते हैं, और वो नगर वर्णन
जैसे कहा गया, यानी यहाँ जायसी की जो कसौटी है वो सौंदर्य के प्रतिमान स्थापित करने की है। तो देखिए नगर वर्णन कैसे करते हैं, वो इसमें प्रस्तुत भी है और अप्रस्तुत भी है, यानी कि लोक भी है और परलोक भी है, क्योंकि पद्मावती एक स्त्री भी है, नायिका भी है और परमात्मा भी है। नवो खंड नव पमारी औ तह वज्र के वार, चार बसेरे सो चढ़े सतसो चढ़े जो पार। उक्त वर्णन जितना सिंघलद्वीप के नगर का है उससे ज़्यादा भारतीय हठयोग तथा सूफियों के चार मुकामों का सुंदर समन्वय है। इसके अलावा हाट का वर्णन देखिए क्या करते हैं, हाट का वर्णन ऐसा करते हैं कि वहाँ पूरा का पूरा दृश्य आंखों के सामने जैसे नाच उठता है, साकार हो जाता है। देखिए जरा, लेले बैठ फूल फुलहारी, पान अपूरव धरे संवारी, सौधा सबे बैठ ले गांधी, बहुत कपूर खिरौरी बांधी, कतहू तो वर्णन एक हवाले देते हैं एक एक चीज का, कतहू पंडित पढ़ई पुरानु, धर्म पंथ कर करही बखानू, कतहू कहीं कहीं ये है कहीं ये है, चारों तरफ पूरा जैसे जैसे कि पूरा एक फिल्म में होता है, पूरा उसका वर्णन करते हैं। कतहू कथा कहे कछु कोई, कतहू नाच को भलिस होई, कतहू काहु ठग, ठग भी ठग का भी है यहाँ पर, ठग भी बराबर सक्रिय हैं वहाँ, कतहू काहु ठग विद्यालाई, कतहू ले मानुष बोराई, बहुत से ऐसे भी आदमियों को बेवकूफ बना रहे, पागल बना रहे। फिर चोर भी है, चरपट चोर धूत गठ छोरा, मिले रहे तई नाच, जो तह नाच सजग भा, आगुमन गत ताकर पे बाँच। जो अब देखिए यहाँ पर दुनियादारी भी है और अध्यात्म भी है, ये चोर लंपट चप चोर ये सब धूत जुआखोर ये सब है, ये सब माया भी है और ये मनुष्य ये इस संसार के का यथार्थ भी है। जो फिर कवि कहते हैं कि जो इनसे बच कर रहेगा वही प्राप्त कर सकता है कुछ फल। तो उस हाट में आगे वो लिखते हैं, उस हाट में फूल वाली मालिनें फूल लेकर बैठी हैं, सुंदर पान सजा कर रखे हुए हैं, गंधी सभी प्रकार की सुगंध लेकर बैठा है, अधिक कपूर डालकर कथ्य की टिकिया बांधी गई है, कहीं पर पंडित पुराण का पाठ कर रहे हैं, कहीं लोग धर्म के मार्ग का बखान कर रहे हैं, कहीं कोई कथा कह रहा है तो कहीं कुछ और पाखंड हो रहा है। देखिए पाखंड की बात करते हैं जैसे, वह हाट में होने वाले नृत्य में चोर धूर्त और सामान लूटने वाले भी हैं, जो व्यक्ति पहले उस नाच में सजग रहता है वही अपनी पूंजी को बचा पाता है। ये संदर्भ है जो कि लौकिक को अलौकिक बनाता है। अब आप देखिए प्रकृति का सौंदर्य क्या है, प्रकृति अपने आप में सौंदर्य का एक बहुत बड़ा प्रतिमान होता है। प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य वर्णन साहित्य का एक इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र विषय है। पद्मावत में वो किस तरह है, प्रकृति पृथ्वी के अस्तित्व से ही मानव की सहचरी रही है, प्रकृति सौंदर्य हमेशा से ही प्रेम का प्रेरक तत्व रहा है। बहुत सारे कवियों की परंपरा है जो प्रकृति को प्रेम करते हैं, और चूंकि प्रकृति के साथ मनुष्य का बड़ा गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा संबंध है, इसलिए आप देखेंगे सौंदर्य के सारे प्रतिमान प्रकृति से आते हैं। कालिदास भवभूति जैसे महान कवियों की रचनाएं इस बात का प्रमाण है, मानव का तो पूरा अस्तित्व ही प्रकृति पर निर्भर है। एक तरफ जहाँ प्रकृति सहचरी है, शांत है, जीवनदायिनी है, वहीं वह कभी कभी विकराल रूप भी धारण कर लेती है। जायसी ने दोनों रूपों का वर्णन किया है, वो बहुत प्रिय भी है, बहुत कोमल भी है, मनुष्य का साथ भी देती है, लेकिन साथ ही वो कहीं पर भी ध्वंसक भी है। उठे लहर पर्वत की नाई, पर्वत जैसी लहरें उठ रही हैं, होई फिरे जोजन लगता ही, धरती लेत सरग लही बाढ़ा, सकल समुद्र जानो भाठाड़ा। इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। प्रकृति के सौंदर्य का वर्ण चित्रण जितने रूपों में हो सकता है, यानी विविधता है उसमें, उन सभी रूपों में जायसी ने प्रकृति के सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत किया है। अब प्रकृति का सौंदर्य कितने रूपों में है ये हम इसमें देखेंगे। पहला है आलमन रूप में, आलमन रूप में प्रकृति का वर्णन कवि साध्य रूप में करते हैं। आलमन का मतलब क्या, वो एक स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र वस्तु के रूप में जिसका वर्णन होता है। पद्मावत में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ जायसी ने प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण किया है।
वातावरण निर्माण के लिए ये पहला लक्षण है उसका, वातावरण निर्माण यानी टोपोग्राफी क्या है, वहाँ की जलवायु क्या है, वहाँ झरने हैं या पहाड़ है या क्या है, ये नदियाँ हैं, ये सब वर्णन होता है उसमें। वातावरण निर्माण के लिए प्रकृति के दृश्यों को आलमन रूप में ग्रहण किया गया है, जैसे कि एक उदाहरण आप देखें, कुहू कुहू कोयल करी राखा, ओ भिंगराज बोल बोल बहु भाखा, दही दही कमहर पुकारा, हारिल बिनवे आपने हारा, कहू कहीं मोर सुहावन लागा, होई कोराहर बोलही कारा। ये ग्रामीण जीवन का वर्णन है। इसी तरह से आगे देखिए, ग्राम्य जीवन के अभिन्न अंग तालाब का एक सुंदर वर्णन जायसी ने इस तरह प्रस्तुत किया है। तालाब का वर्णन है, ये सब ग्रामीण और लोक जीवन के हिस्से हैं जो गांव में की प्रकृति में हमें दिखाई देते हैं। तो तालाब का वर्णन क्या किया है, कैसे किया है, देखिए, ताल तलवार बरन न चाहिए, सूझई बार पार तेह नाही, इतना बड़ा है कि उसका किनारा ही दिखाई नहीं देता। फूले कुमुद कुमुद फूले हुए, केत उजियारे जानऊ वे गगन मेहता, ऐसा लगता है जैसे कि आकाश में तारे उगाए। तो ये आलमन के रूप में था। अगला जो प्रकृति का रूप होता है वो होता है उद्दीपन। उद्दीपन माने, उद्दीपन का मतलब है भड़काना, या कहें कि जो प्रकृति हमें उद्दीप्त करती है, हमें हमारी चेतना को उकसाती है। प्रकृति के सहज आलमन सौंदर्य के अतिरिक्त उद्दीपन रूप में भी इसका वर्णन किया गया है। मानव मन के हर्ष, ये उद्दीपन का अर्थ क्या है, जब हम हर्षित होते हैं तो प्रकृति हमें हर्षपूर्ण आनंदपूर्ण लगती है, जब हम विषाद युक्त होते हैं तो प्रकृति भी हमें अच्छी नहीं लगती, ये उद्दीपन रूप है उसका। और कई बार जब हम दुखी होते हैं तो अच्छी प्रकृति, जो सुंदर प्रकृति होती है, वो हमें और ज़्यादा दुखी करती है, और ज़्यादा जैसे हमें चिढ़ाती है, यही उद्दीपन है। तो मानव मन के हर्ष विषाद के साथ हर्षित और दुखी होती प्रकृति की सौंदर्य राशि चारों तरफ बिखरी हुई है। सुख के अवसर पर प्रकृति नाचती थिरकती तथा गाती हुई प्रतीत होती है, जैसे मैंने अभी कहा आपको, लेकिन अवसाद के क्षणों में वही प्रकृति मुरझाई अलसाई और दुखी दिखाई देती है। जब जैसे विरहिणी का वर्णन जब आता है, तो जैसे नागमती का जब वर्णन आता है, वियोग विरह वर्णन आता है, तो नागमती को सारी प्रकृति बिल्कुल नीरस दिखाई देती है। तभी तो नागमती की वियोग वेदना वाला वो बारह मासा बहुत उल्लेखनीय अंश है, ये पद्मावत का बारह मासा हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण बड़े ही सजीव और स्वाभाविक रूप में किया गया है। पद्मावत के षड ऋतु वर्णन में पद्मावती के हृदय के हर्ष का सुंदर वर्णन है। हर्ष भी है, विषाद भी है, और दोनों संदर्भों में प्रकृति का ऐसा रूप जो प्रेरित करता है, ऐसा रूप जो आकर्षित करता है, और ऐसा रूप जो विषाद पैदा करता है, दोनों ही पद्मावत में हमें मिलेंगे। यह प्रकृति पद्मावत के लिए एक नया संदेश लेकर आई है, जैसे कि बसंत ऋतु का वर्णन है, प्रथम बसंत नवल ऋतु आई, सरितु चैत बैसाख सुहाई, चंदन चीर पहर धन अंगा, सेंदुर चीन दीन बिहंस भर मंगा मंगा। इस तरह से नवल बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, चैत बैसाख में वह ऋतु सुहावनी लग रही है। रानी पद्मावती ने चंदन चीर धारण किया। देखिए, प्रकृति और मनुष्य का तालमेल देखिए कि प्रकृति है तो उसी हिसाब से मनुष्य भी अपने आप को उसके साथ संयोजित कर रहा है। रानी पद्मावती ने चंदन चीर धारण किया हुआ है और प्रसन्नता पूर्वक पूरी मांग में सेंदूर धारण कर रखा है। जिस घर में कंत हो वहाँ सदैव भली बसंत ऋतु आती है। देखिए, प्रेम है तो सौंदर्य है, प्रकृति भी उस प्रेम और सौंदर्य को बढ़ाती है। वहाँ पति पत्नी बसंत ऋतु में उद्यान में जाकर अपने आप को बहलाते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, सुहाने बसंत। बसंत का बहुत अच्छा वर्णन जायसी ने किया है। लेकिन बसंत ऋतु जब पति पास होते हैं तो आनंददायक लगती है, लेकिन जब वही वियोग स्थिति होती है तो कष्टदायी प्रतीत होती है। वही चीज़ यहाँ पर है, लेकिन यही प्रकृति प्रिय के दूर होने पर कष्टदायी प्रतीत होती है, हृदय को जलाने वाली लगती है। नागमती के विरह वर्णन के माध्यम से प्रकृति सौंदर्य का जो रूप जायसी ने पद्मावत में प्रस्तुत किया है वह तो कहीं और नहीं मिलता। परंपरागत और नवीन मौलिक उपमानों से युक्त यह बारहमासा हर समय हमें सौंदर्यान्वित करता है।
ऐसा लगता है कि प्रकृति भी नागमती की विरह में ही विरही, नागमती का विरह विरही है और नागमती का विरह इसे पूरी प्रकृति में समा गया है। एक अंश देखिए इसका, बहुत ही उल्लेखनीय ये दोहा है इनका, पियसों कहु संदेशरा ए भंवरा एकांग। ये बहुत पुरानी परंपरा है वियोग वर्णन की, वियोगिनी स्त्री जो होती है वो भंवरे से और कौए से कहती है, ये मौलिक उद्भावना जैसी में हमको दिखा देती है, कौए को भेजती है, भंवरा से तो सभी देते हैं लेकिन कौए से पहली बार। और तर्क आप देखिए, संदर्भ आप देखिए, भंवरा और काग दोनों काले हैं, तो वो कहती है कि वो जो विरहिणी है वो जल के मर गई है और उसके धुएं में हम काले हो गए हैं। ये तो ये मौलिक उद्भावना है। पियसों कहु संदेश रा ए भौरा है काग, शोधन विरह जन्मुई तेहिक धुआं हमला, उन्हीं का धुआं हमें लग गया है। ये उद्दीपन था। अब आप देखिए अगला जो अंश, जो रूप इसका है प्रकृति चित्रण का, वो होता है आलंकारिक रूप, अलंकार रूप। इसको भी संक्षेप में हम जान लेते हैं। जायसी ने प्रकृति के उपादानों को अलंकार रूप में भी ग्रहण किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अलंकारों की सहायता से काव्य में एक नवीन सौंदर्य का सृजन किया है। इसका क्या होता है इसका अर्थ, इससे आगे स्पष्ट होगा कि उन्होंने जड़ पदार्थ में भी जन चेतनता का आरोप किया है जिसके कारण वो सजीव हो उठी है। सूखते हुए सरोवर से, अब आप देखिए एक रूपक वो देते हैं, सूखते हुए सरोवर से विरही हृदय की उपमा द्रष्टव्य है। सूख सरोवर सूखता है, ऐसे ही विरही का हृदय भी सूख जाता है। सरोवर ही है घटत नित आई, टूक टूक होई होई बिहर आई, बिहरत हिया करऊ पियटे का दिष्ट दिवंगरा मेरे बहु। ये जो पूरा उपमान विधान है वो मनुष्य और प्रकृति दोनों के एक ही भूमि पर आ जाने का भी सूचक और प्रतीक है, और प्रकृति के साथ मनुष्य के एकमेक होने का भी। ये इन उपमानों के अलावा नागमती के संयोग वर्णन की उपमा, वियोग वर्णन भी है तो संयोग वर्णन में भी उसी तरह की शैली को अपनाते हैं, तो संयोग वर्णन की उपमा एक फुलवारी से दी गई है जिसका जिसकी पत्तियों में अभी अभी जीवन आया है, कौपले आई है। देखिए जरा, जस भूई दही अषाढ़ पल हुआई, परही बुंद ओ सौंध बसाई, ओही भांति पलुही सुखबारी, उठे करिल नव कौप संवारी। जैसे दग्ध होती हुई धरती आषाढ़ में फिर से पलुवाती है, पल्लवित होती है, उसमें नया जीवन आता है। अभी तक पानी के अभाव में जो धरती मृत प्राय थी, जिसका हृदय जगह जगह से फटा हुआ था, वह अब वर्षा की बूंदों से भरने लगा है। बूंद पड़ने पर सुगंध से भर जाती है पृथ्वी, उसी मिट्टी उसी भांति वह बाला सुख से हरी हो गई है। जैसे करील के नए कौपले निकलती हैं और सुहानी लगती हैं, उसी प्रकार उस बाला के में सुख की कौपले निकल रही हैं। तो ये इस तरह से प्रकृति और मनुष्य का, प्रकृति और नायिका का एकमेक होना है। अब एक और जो इसी अलंकारिक वर्णन में ही, अलंकार रूप में जो प्रकृति का वर्णन होता है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है मानवीकरण, प्रकृति का पर्सोनिफिकेशन, प्रकृति का मानवीकरण। जायसी ने प्रकृति का मानवीकरण कई स्थानों पर किया है। नागमती के विरह में जड़ पदार्थ भी दुखी है, तेही दुख डहे परास में पाते, लोहू बूढ़ी उठे पर भाते। यानी प्रकृति जैसे आंसू बहा रही है। जायसी ने प्रकृति को एक सुंदर नारी रूप में भी देखा है। तो मानवीकरण की हम बात कर रहे थे, नागमती के विरह में जड़ पदार्थ भी दुखी है, तेही दुख डहे परास में पाते, लोहू बूढ़ उठे पर भाते। ये जो प्रकृति का मनुष्य की तरह दुखी होता है, मनुष्य के दुख में, ये उसका मानवीकरण है। वहीं दूसरी तरफ वह स्वयं कई बार मानव रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। जायसी ने प्रकृति को एक सुंदर नारी के रूप में देखा है। नवल सिंगार वनस्पति कीना, शीश पर सही सेंदूर दीना। ऐसा लगता है कि इन वनस्पतियों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो इन्होंने नया श्रृंगार किया है, और उनकी लाल लाल छोटी छोटी कौपलों से प्रतीत हो रहा है जैसे एक किसी विवाहित स्त्री ने सेंदूर धारण कर रखा हो। इसका अगला जो हम इसमें बिंदु लेंगे वो है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य का मतलब उसके कहने के ढंग का सौंदर्य। काव्य को जो कोई कभी कहता है तो जितनी वस्तु में वस्तु का महत्व है उतना ही उसके कहने की प्रणाली, कथन प्रणाली का भी महत्व है, और उसका भी अपना काव्य सौंदर्य होता है।
तो जायसी की कविता का एक महत्वपूर्ण आयाम शिल्प सौंदर्य भी है। उनका शिल्प सौंदर्य उनके व्यक्तित्व का सूक्ष्म प्रतिरूप है। जायसी जन के कवि है, जन के कवि थे, इसलिए उन्होंने जनता की भाषा अवधि में रचना की। पद्मावत अपने समय के जनजीवन, साहित्य और संस्कृति के विशाल शब्द भंडार का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है जायसी ने। इसमें जायसी की शब्द संपदा अत्यंत समृद्ध और सौंदर्यपूर्ण है। उसमें तरह अनेक भाषाओं में, जैसे अरबी है, फारसी है, इसके साथ साथ तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग भी उनकी सौंदर्य रुचि का परिचय देता है। इसके साथ ही लोकोक्तियों, परंपरागत लोकोक्तियों, मुहावरों, सूक्तियों का भी उन्होंने खूब वहाँ पर वर्णन किया है। नक्षिक वर्णन भी देखने लायक है, और उस नक्षिक वर्णन का जिस शिल्प में जायसी ने वर्णन किया है वो आप देखिए। जायसी ने क्रमशः केश, मांग, ललाट, भौं, नेत्र, नासिका, अधर, पेट, पीठ, जो भी पूरा एक क्रम है, एक के बाद एक, एक के बाद एक देह का विभिन्न अंग और क्रमशः उसका उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली शैली में वर्णन किया। ये परंपरा असल में फारसी साहित्य में देखने को मिलती है, जो कि उन्होंने जायसी ने अपनाया है। बहुत सारे परंपरागत प्रतीक भी उन्होंने लिए हैं, बहुत सारे नवीन उपमानों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे नए उपमान क्या हैं, नेत्र के लिए जैसे खंजन है, ललाट के लिए द्वितीय का चंद्रमा है, नासिका के लिए तोती की चोंच है, अधर के लिए मुंह में जड़े हीरे, नए लोग हैं, नई नई प्रतिमान है, ये नई प्रतीक है। जायसी ने सौंदर्य वर्णन में अपनी प्रतिभा, कल्पना, बहिर्विता और बिंब विधायनी शक्ति का सहारा लिया है। इस तरह से पूरे इस अध्याय के निष्कर्ष के बतौर अगर हम कुछ कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि पद्मावती की काव्यात्मकता में जायसी की सौंदर्य चेतना का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्कृष्ट भाव और शिल्प सौंदर्य संबंधी जायसी की चेतना ने पद्मावत को एक नई ऊंचाई प्रदान की है, इसीलिए पद्मावत पूरी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का सर्वशीर्षस्थ ग्रंथ है, शीर्षस्थ महाकाव्य है। चरित्र हो, कथा हो, भाषा शैली हो, प्रसंग हो, हर जगह इस सौंदर्य के दर्शन होते हैं। अवधि भाषा की जिस मधुरता का रसास्वादन पाठक पद्मावत पढ़ने के बाद करता है, वह जायसी जैसे कुशल पाठ की सौंदर्य कला का परिणाम है। और आज इतने दिनों के बाद भी, इतने कई शताब्दियों के बाद भी जायसी हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। प्रेम और सौहार्द का जो संदेश जायसी हमें देते हैं, प्रेम और सौंदर्य का जो संदेश जायसी हमें देते हैं, अलग अलग धर्मों के समन्वय का जो संदेश जायसी हमें देते हैं, वो अद्वितीय है। और यही इस पूरी प्रेमाख्यान परंपरा का निष्कर्ष है और संदेश है। जायसी जिसके शीर्षस्थ महाकवि हैं। धन्यवाद।